हाय गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ शाम के टाइम में, अभी 5:05 हो रहे हैं। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ बनारस रेलवे स्टेशन का नज़ारा। ये बनारस का द्वितीय द्वार है, यानी दूसरा गेट है, और यहाँ का बहुत ही सुंदर, बहुत ही VIP नज़ारा है। ये पहले इधर साइड में इस गेट पे कुछ भी नहीं था, लेकिन पहले इस स्टेशन का भी नाम मड़ुआडी था, लेकिन जब से ये स्टेशन बना और स्टेशन का नाम भी बदल गया और स्टेशन का नाम रखा गया बनारस स्टेशन। तो चलिए, आपको बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, आज का ब्लॉग बहुत ही खूबसूरत होने वाला है, तो वीडियो में बने रहिए। चलते हैं, आपको दिखाता हूँ मड़ुआडी यानी कि बनारस स्टेशन का नज़ारा। ये देख सकते हैं गेट नंबर 2 है, बनारस रेलवे स्टेशन द्वितीय प्रवेश द्वार आपका हार्दिक स्वागत करता है। और यहाँ से आप सीधा, ये जो देख रहे हैं कि ये रोड सीधा चला जाता है DLW ककरमत्ता के लिए। ये रोड सीधा चला जाता है मड़ुआडी चौराहा से लहतारा होते हुए सीधा, ये भी कैंट जा सकते हैं। गेट से अंदर जब आते ही आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में ऑटो पार्किंग है, और ये सामने देख सकते हैं साइकिल में स्कूटर पार्किंग है। इधर आप राइट साइड में जाकर स्कूटर और साइकिल पार्किंग कर सकते हैं। इधर देख सकते हैं कार पार्किंग है, अगर कोई कार से आ रहा है तो इसके अंदर पार्किंग कर सकता है। और यहाँ पे एक शीशे का जो बॉक्स बनाया गया है, ये सिक्योरिटी के लिए बनाया गया हो। और आगे देख सकते हैं सीढ़ियाँ बना गया है चलने के लिए, और ये लिफ्ट वाला शायद सीढ़ियाँ बन रहा है जो बासोस लगा हुआ है। यहाँ पे RPF वालों ने बोर्ड लगा लिया है ताकि कोई भी ज़्यादा तेज़ बाइक वगैरह लेकर ना जा सके। और इधर देख सकते हैं कितना बढ़िया नज़ारा दिया गया है, आपका फूल वगैरह लगा दिया गया है। थोड़े दूर पर आएंगे तो देख सकते हैं एक पार्क बना हुआ है, और इस पार्क का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं अभी। ये देख सकते हैं ये तालाब बनाया गया है, बहुत ही सुंदर तालाब है जो कि रात में काफ़ी अच्छा दिखता है, फिलहाल अभी हम दिन में हैं। बहुत सुंदर तालाब बनाया गया है, आप देख सकते हैं। और सामने देखिए बोर्ड भी लग गया है बनारस, यानी ये बनारस स्टेशन हो गया है। मेन गेट अभी आगे है। दोस्तों सामने है नो पार्किंग, पार्किंग निषेध है, इधर पार्किंग नहीं लगा सकते हैं। और ये है मेन गेट, देख सकते हैं बनारस हिंदी में, इंग्लिश में और उर्दू में लिखा गया है। गाइस देख सकते हैं ऐसा स्टेशन बहुत कम जगह देखने को मिलता है। यहाँ पे देख सकते हैं कितना बढ़िया ये सजाया गया है इसको, और बिल्कुल प्राकृतिक रूप से ये बहुत सारे पेड़ और फूल लगा दिए गए हैं, देखने में कितना सुंदर लग रहा है। और ये देख सकते हैं एक और पार्क जो कि अभी ये वर्किंग में है, यानी कि इसका अभी वर्क चल रहा है, इसमें पेड़ वगैरह लगाया जा रहा है, अभी नया बन रहा है। उससे पहले इसमें एक देख सकते हैं नंदी जी महाराज का एक मूर्ति बनाकर रख दिए गए हैं बीच में, बहुत ही सुंदर ये नंदी महाराज का मूर्ति लग रहा है। और सामने देख सकते हैं फ्लैट दिख रहा है।
और इधर से आप प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं और वहाँ से आपको ऊपर से दूसरे तरफ यानी गेट नंबर एक के तरफ जाने के लिए रास्ता बनाया गया है, सीढ़ी बनाया गया है, देख सकते हैं। यहाँ से इस पार से उस पार आप पैदल जा सकते हैं गेट नंबर एक की तरफ। गाइस देख सकते हैं बहुत ही शांति इधर नज़ारा दिख रहा है आज का गेट नंबर दो पे, और बहुत ही बढ़िया यहाँ पे एकदम शांति शांति है, क्योंकि अभी कोई ट्रेन आने जाने का समय नहीं है। रात में ट्रेन ज़्यादा करके यहाँ पे आती है या सुबह के टाइम में, दोपहर में। अभी फ़िलहाल जिस टाइम में है उस टाइम कोई ट्रेन नहीं है, इसलिए बड़ा शांति है, कोई यात्री बहुत कम लोग हैं, और बाकी ज़्यादा करके यात्री गेट नंबर एक की तरफ ज़्यादा भीड़ रहता है। ये स्टेशन का अंदर का नज़ारा है, देख सकते हैं 17:17 हो रहे हैं, और सामने ये LCD लगाया गया है TV, यहाँ पे कुछ न कुछ प्रचार देता रहता है, और इसमें कौन सा ट्रेन कब कितने टाइम को आ रहा है बताता रहता है। तो गाइस बनारस स्टेशन का आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।